स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम के नाकारापन की ये तस्वीर सुपौल जिले के भीमनगर से आई है। सड़क पर पड़े इस शख्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही वो सीने पर हाथ रखकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे सीने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ कोरोना के मुख्य लक्षणों में से एक है। सांस की समस्या से तड़पते इस युवक को देखकर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग बसंतपुर और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन ना तो कोई अधिकारी ना कोई डॉक्टर उसकी मदद के लिए पहुंचा। यहाँ तो सुबह से ही भयभीत माहौल हो गया है। एक आदमी आ गया है नेपाल से, लगता उधर से कोई जो है ईद करके इधर भगा दिया है इसको। यहाँ पर जो उसको सांस लेने में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल को ही बोला गया, लेकिन अभी तक कोई जो आया नहीं है। 11 बजने जा रहा है, सुबह से ही बोला गया, लेकिन इसका तो बहुत स्थिति खराब है, गंभीर है। और यहाँ पर ये भीमनगर में पड़ा हुआ है। अरे ये सुबह से, ये करीब 3:30 भोरे से ये पूरा मार्केट में घूम रहा है। पुलिस प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को मैसेज दिया गया, कोई पहल नहीं कर रहा। हम लोग इसको मैंने देख के इतना माहौल भयभीत है कि उसको सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है जिसका विवरण नहीं किया जा सकता। वो पूरा लम्बा लम्बा सांस ले रहा है, वो बोलता हमको कंठ में प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ का लोग है ये, कोई पते नहीं चल रहा है। ये उस पार से आया है, नेपाल से ये आया है, लोग इस साइड का एरिया का आदमी नहीं है। लंबी लंबी सांस ले रहा ये शख्स कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो भीमनगर की सड़क किनारे मछली बाजार के पास तड़पता रहा। और तो और, जहां ये घटना घटी वहां से ब्लॉक हॉस्पिटल और पुलिस चौकी महज 500 मीटर की दूरी पर है। मामले में सफाई देते हुए अस्पताल के एक स्टाफ ने कहा कि टीम गई है, लेकिन नहीं पता कहां गई है। तो कल पेपर में हम देखे थे कि यहाँ का व्यवस्था, लेकिन वो तो जो जांच करने वाले हैं आधा घंटा पहले यहाँ से निकले हैं। अब कहाँ निकले तो पता नहीं है, दोनों आदमी गाड़ी से निकले हैं। हाँ, अभी हम तो ओपीडी करते हैं, अभी ओपीडी के संबंध में हम इसकी जानकारी है और कुछ तो हमको कोई जानकारी नहीं है इसके संबंध में। पूरे गाँव में दहशत है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, उठक बैठक कर रहे हैं। सुबह से लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर को फोन किया गया, प्रशासन को, कोई नहीं आया। क्या कहेंगे, तो कौन है, तो इसको किए हैं? हम लोग तो मालूम नहीं है कि किनको किए हैं। मान लीजिए हम तो ओपीडी चलाते हैं, हमारा तो ओपीडी का काम है, जिनका जो काम है वो उनसे किए होंगे तो हमको पता है। हमको क्या, हम तो ओपीडी का काम कर रहे हैं, तो हमको ओपीडी का कर। अस्पताल से महज 500 मीटर की दूरी पर वो तड़प रहा है। कौन सा पेशेंट है? 500, हमको तो ऐसा, हमको सूचना तो नहीं है। मुझे भागलपुर और पटना की घटना से किरकिरी के बावजूद सिस्टम में कोई सुधार नहीं आया है। सूबे में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया रोजाना बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन बिहार से ऐसी तस्वीरें आना आम होता जा रहा है। सुपौल से रामचंद्र मेहता, बिहार तक।